बच्चों, नेशनल इनकम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जिसके बारे में हम आप बच्चों को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें नॉमिनल जीडीपी को, तो नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं। और बेसिकली ये क्या करता है कि जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। इसी तरीके से जो रियल जीडीपी है वो बेस ईयर प्राइस पे अपना जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिसको कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम सुविधा के लिए मान रहे हैं कि गुड्स हमारे पास है, टू गुड्स हैं, आप चाहो तो तीन मान सकते हो। मान लीजिए गुड्स है एक्स और वाई, दो गुड्स हमने ले लिए। अब इसकी बात करें बेस ईयर प्राइस की, बेस ईयर की, तो बेस ईयर हम मान लेते हैं, कोई भी बेस ईयर मान लेते हैं, हम मान लीजिए 2013-14 बेस ईयर है। और इस बेस ईयर में इसका जो प्राइस था और जो क्वांटिटी थी, हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो मान लीजिए उस समय प्राइस इसका 10 रुपये था और क्वांटिटी 100 किलो पैदा होती थी, और वाई जो थी उसका प्राइस 20 रुपये था और उसकी क्वांटिटी 50 किलो पैदा होती थी, हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों। वर्ष आया करंट ईयर। अब करंट ईयर में क्या हुआ है, करंट ईयर में हमने मान लिया कि इसका जो प्राइस है और क्वांटिटी, हम 1% एक घड़ी के लिए मान लेते हैं कि क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं हुई, हम ये मान के चल रहे हैं। हालांकि बाद में हम इस क्वांटिटी को चेंज भी कर देंगे, 100 क्वांटिटी है और 50 क्वांटिटी है, हम ये मान के चल रहे हैं। जबकि जो प्राइस है वो चेंज हो गया, और प्राइस जो है वो अब देखिए ये हो गया मान लीजिए बढ़ के 20 और ये हो गया मान लीजिए 25। अगर हम बात करेंगे जीडीपी की, तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपको जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलो करके देखते एक बार। अगर हमें जीडीपी निकालनी है 2022 की, लेकिन बेस क्या रहेगा, अब दो बेस हो सकते हैं बच्चों। बेस एक हो सकता है करंट प्राइस पर, यानी कि जो करंट प्राइस चल रहा है उसके बेस पर निकाले, या हो सकता है कि जो हमारा बेस हो वो बेस ईयर के बेस पर हो, जो बेस लगा लेंगे वो बेस ईयर के बेस पर निकालेंगे, यानी कि जो आधार है वो बेस ईयर है। तो अगर हम करंट प्राइस पे निकालते हैं तो कैसे जीडीपी निकालेंगे, करंट ईयर जीडीपी निकालेंगे, वो निकालेंगे जैसे मान लीजिए पी इंटू क्यू की बात हम कर रहे थे, तो इसको पी क्यू बोल देते हैं, ठीक है जी, जीडीपी की जगह पी क्यू बोल देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2100 रुपये या 2000, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मान लीजिए 1250। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप देखोगे तो जीडीपी जो है वो 3250 आ गई। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो पिछले साल यानी कि 2013 में जीडीपी कितनी थी, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जीडीपी 2013 में कितनी थी इंटू 013, तो 2013 में जो जीडीपी थी वो थी 1000, एक्सेज इनकम हो रही थी, मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2000, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीडीपी में जो वृद्धि हुई है वो काफ़ी बड़ी हुई है, यानी कि अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहें तो 1250 हमारी वृद्धि हुई है, और डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो इसका मतलब लगभग हमारा परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई आउट कर देंगे तो आप कह सकते हो कि 62.5% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वास्तव में ये वृद्धि है, नहीं, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो वृद्धि की गई है वो केवल और केवल और केवल प्राइस बढ़ने की वजह से हुई है। देखिए यहाँ पे प्राइस 20 था, क्वांटिटी प्राइस 20 था, और यहाँ पे बढ़ के प्राइस 10 था, यहाँ पे प्राइस बढ़ के 20 हो गया,
यहाँ पे प्राइस 20 था, यहाँ पे प्राइस बढ़कर 25 हो गया। तो इस तरीके का जो जीडीपी बढ़ी है, जिसमें प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ रही है, ऐसी जीडीपी किसी भी देश के ग्रोथ को नहीं दिखाती है, किसी भी देश के समृद्धि को नहीं दिखाती है, किसी भी देश के गुड लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं दिखाती है। तो फिर आखिरकार क्या किया जाए? इसका तरीका यह है कि हम क्या करेंगे, प्राइस तो लेंगे बेस ईयर का, ये वाला प्राइस ले लें, ये वाला प्राइस ले लें, और क्वांटिटी ले लें करंट ईयर की, यानी कि क्वांटिटी ये वाली ले लें, और उसके बेस पे जो जीडीपी बढ़ी है वो एग्जैक्ट वैल्यू को बताएगी। जैसे कि यहां पे हमारी बात करेंगे तो जब हम प्राइस बेस ईयर का लेंगे और क्वांटिटी बेस ईयर की लेंगे, तो इसका मतलब है हमारी जो आंसर आएगा वो 2000 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको, क्योंकि आपने प्राइस भी बेस ईयर का लिया, सॉरी प्राइस लिया बेस ईयर का, क्वांटिटी ली करंट ईयर की, तो क्वांटिटी तो बिल्कुल सेम ही है पिछली बार की तरह, यानी क्वांटिटी भी चेंज नहीं हुई और प्राइस तो आपने बेस ईयर का लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बेस ईयर पे निकालते हो, तो बेस ईयर पे अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट जो जीडीपी बढ़ी है उसको रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं इसके लिए। देखिए, मान लेते हैं हम उसी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स गुड्स है और वाई गुड्स, दो गुड्स हम ले लेते हैं, सॉरी यहां इस तरीके से नहीं, ऐसे लगा दे जैसे पहले बनाया था, कि मान लीजिए हमारा है ईयर, यहां हम लिख लेते हैं बेस ईयर और यहां लिख लेते हैं हम करंट ईयर। ठीक है, एग्जाम यहां पे हम लिख लेते हैं बच्चों, बेस ईयर में जो हमारी क्वांटिटी थी ये प्राइस है, बेस ईयर में जो क्वांटिटी थी ये हमारा प्राइस है बेस ईयर का। ओके जी, सिंपल एग्जांपल करने के लिए मान लीजिए हमारा जो बेस ईयर है वो हमारा है 2013-14 और करंट ईयर है हमारा 2022-23। तो बेस ईयर में जो एक्स गुड्स थी, मान लीजिए गुड्स की हम यहां ले लेते हैं, एक्स गुड्स थी उसकी 20 क्वांटिटी पैदा होती थी, प्राइस मान लीजिए 10 था, वाई गुड्स की 50 क्वांटिटी पैदा होती थी, प्राइस मान लीजिए 20 था। ठीक है जी, वैल्यू चेंज कर दी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। करंट ईयर में जो क्वांटिटी बढ़ी है वो 30 हुई है और प्राइस 15 हुआ है, जबकि करंट ईयर में प्राइस जो क्वांटिटी है मान लीजिए वो हो गई है 100 जबकि प्राइस हुआ है 25 का। अब हमें जीडीपी, रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। तो रियल जीडीपी में वृद्धि कैसे पता करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम निकालेंगे रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो अगर रियल जीडीपी निकालनी है, यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू इंटू क्यू वन, यानी कि प्राइस तो लेंगे बेस ईयर का लेकिन क्वांटिटी लेंगे करंट ईयर की। यानी कि प्राइस बेस ईयर का मतलब है कि प्राइस 20 लेंगे और क्वांटिटी लेंगे, सॉरी प्राइस ही वाला है, प्राइस 10 लेंगे और क्वांटिटी लेंगे करंट ईयर की, जो कि बढ़ के 30 हो गई है। तो ये हमारा 300 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी जो है, जो प्राइस लेंगे वो 20 लेंगे और क्वांटिटी लेंगे करंट ईयर की, करंट ईयर में 1000 क्वांटिटी आई है, 100 क्वांटिटी आई है। इसका मतलब ये हमारी जो वैल्यू है, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 200,000 हो जाएगा, यानी कि करंट में जो जीडीपी है वो 2300 आई है। ओके बच्चों, तो ये जीडीपी है, रियल जीडीपी कहलाता है। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे बच्चों? नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी है, जैसे कि यहां पे दे रखा है, तो ये कितना आएगा 450 और ये कितना आएगा, ये आएगा 2500। तो इसको कहते हैं 59 2, एक तरीके से आप कह सकते हो 2950। तो इस तरीके से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता है बच्चों। रियल जीडीपी का क्या मतलब हुआ, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। रियल जीडीपी का मतलब है कि आप जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो उसका जो बेस लिया है वो लिया है आपने बेस ईयर का प्राइस। दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी, इसे कहते हैं रियल जीडीपी। और अगर आप प्राइस ले रहे हो करंट ईयर का और क्वांटिटी भी ले रहे हो करंट ईयर की, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस। तो बच्चों एक डिफरेंस भी हमने आपको करवाया हुआ है, आप एक बार वो भी देख सकते हो यहां पे। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले डिफरेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर प्राइस इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी, और जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्राइस पर तो इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये आप याद रखिएगा बच्चों। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस ईयर का जो प्राइस है
कमोडिटी का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर क्वांटिटीज है, और इसमें क्या करेंगे, करंट ईयर का प्राइस लेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे, करंट ईयर प्राइस लेंगे और करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे। फार्मूला जैसे यहां पे दिखा हुआ है, बेस ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी, यहां पे फार्मूला लिखा हुआ है करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी। तो ये आप बेसिक डिफरेंस है, आप याद रखिएगा बच्चों। इसके अलावा रियल जीडीपी केवल तभी बढ़ सकती है जब आउटपुट बढ़े, यानी कि अगर आउटपुट नहीं बढ़ रहा है तो रियल जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, ये आप बात अपने दिमाग में रखिएगा। जबकि नॉमिनल जीडीपी दो वजह से बढ़ती है, प्राइस बढ़ने से भी बढ़ती है, आउटपुट बढ़ने से भी बढ़ती है। तो बिना आउटपुट बढ़े भी रियल जीडीपी नहीं बदलेगी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी बिना आउटपुट बदले भी बदल सकती है, ये बात आप अपने दिमाग में याद रखिएगा बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक वेलफेयर की, तो हम ये मान के चलते हैं कि रियल जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर का एक इंडिकेटर है। हालांकि बहुत सारे इंडिकेटर और बने हैं, HDI है, PQLI है, इसके अलावा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, कई प्रकार के इंडेक्स है, लेकिन ये भी एक तरीके का इंडेक्स है जो कई सारे अर्थशास्त्रियों ने माना GDP, हालांकि हम बाद में इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो नॉमिनल GDP है वो किसी भी तरीके से वेलफेयर को नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो नॉमिनल GDP है वो हमें ये इंडिकेट नहीं करता कि कितना आउटपुट बढ़ा। तो बेसिकली किसी देश के वेलफेयर के लिए जरूरी है आउटपुट का बढ़ना, और जो रियल GDP है वही हमें आउटपुट में कितनी वृद्धि हुई है उसको दिखाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक बार मैं आपको रियल GDP और नॉमिनल GDP में का एक बेसिक जो वो है मीनिंग वो भी एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने रियल GDP निकाला, रियल GDP हमारा 1000 आया, ठीक है, और हमने नॉमिनल GDP निकाला तो ये हमारा 1500 रुपये आया। प्राइस इंडेक्स बताता है कि प्राइस कितना बढ़ा, जिसको हम GDP डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100, ठीक है जी। तो इसका मतलब नॉमिनल GDP 1500 है, रियल GDP 1000 है, और ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 150% आ गया। इसका मतलब अगर ये 100% रहता तो इसका मतलब प्राइस नहीं बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में आपका जो प्राइसेस है वो 50% तक बढ़ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम GDP डिफ्लेटर की बात करते हैं या प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये हमें कैलकुलेट करके बताता है कि कितनी वृद्धि हुई है प्राइसेस बढ़ने की वजह से। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बच्चों कि GDP में वृद्धि दो वजह से पॉसिबल है, रियल नॉमिनल GDP में, एक प्राइस बढ़ने से और एक आउटपुट बढ़ने से, ठीक है, दो वजह से पॉसिबल है। अगर हमें यह पता करना है कि प्राइस बढ़ने से कितनी GDP बढ़ी, कितना परसेंट GDP बढ़ी है केवल प्राइस बढ़ने से, तो हम GDP डिफ्लेटर का प्रयोग करते हैं। अब कई बार इसमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल GDP और रियल GDP, तो इस तरीके से कोई एक चीज़ दे देगा और दूसरी चीज़ आपको पूछेगा, तो वो सब आप एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व भी बच्चों आप चाहो तो इसे कर सकते हो। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला फार्मूला ज़रूर आप याद रखेंगे कि GDP डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ज़रूर 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 अपने दिमाग में रखें। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों।